बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से भारत का सबसे बड़ा मैच विनर हुआ बाहर, अब कैसे होगी जीत? भारत का तुरुप का इक्का हुआ अचानक सीरीज से बाहर, टीम इंडिया की बढ़ गई मुश्किलें। इस खिलाड़ी के टीम से बाहर होते ही टूट न जाए रोहित का टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के बाद बांग्लादेश को भारत आना है, जहां सितंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय खेमे में बुरी खबर सामने आ रही है कि यह धुरंधर खिलाड़ी बाहर हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से पहले कप्तान ही नहीं, फैंस के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उनकी वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में हो सकती है। मोहम्मद शमी ने पिछले साल भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी की थी। उन्होंने भारत की ओर से आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे अधिक 24 विकेट लेने का करिश्मा किया था, लेकिन इस दौरान शमी के पैर की चोट उभर आई थी, जिसकी वजह से निजात पाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन भी कराया। शमी अपनी इंजरी से उभर चुके हैं, फिलहाल टीम इंडिया में वापसी के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। यही वजह है कि शमी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। अगले महीने घर पर बांग्लादेश सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शमी की कोशिश 11 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में खेलने की होगी। इससे मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के दौरान वापसी कर पाएंगे। वैकल्पिक रूप से शमी को भारत ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजने के बारे में विचार किया जा रहा है। भारत ए टीम 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को मैके और मेलबर्न में होने वाले 2-4 दिवसीय मैच खेलेगी। शमी ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेला। शमी के पिछले साल टखने में चोट लगी थी। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में कुछ महीनों की रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद शमी ने फरवरी के अंत में सर्जरी का विकल्प चुना। शमी ने पिछले महीने के अंत में एनसीए में गेंदबाजी करना भी शुरू कर दिया था, इस कारण उनके दिलीप ट्रॉफी में वापसी की उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन तेज गेंदबाज को 4 में से किसी भी टीम में मौका नहीं मिला, क्योंकि अब तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं। शमी के लिए भी जसप्रीत बुमराह के मामले जैसा फॉर्मूला बनाया गया है। ये सही है कि मोहम्मद शमी की चोट जसप्रीत बुमराह की तरह करियर के लिए खतरे वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने लंबे समय से कोई मैच नहीं खेला। इसका मतलब है कि उनका वर्कलोड धीरे धीरे बढ़ाना होगा। पिछले साल बुमराह की वापसी के लिए बीसीसीआई ने एक क्लियर रोड मैप बनाया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, जिस पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी नजरें होंगी। वो एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले उनकी नजर न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी करने पर होगी। शमी इस सीरीज में अच्छी लय में नजर आते हैं, तो चयनकर्ता उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी कंसीडर करेंगे। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।